आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ता करी। इसके लिए हमें प्याज चाहिए। प्याज हम 2 अदद मीडियम साइज़ की लेंगे और इसे हम चॉपर में डालेंगे। लहसुन के जवे हम लेंगे 3 से 4 अदद, इसे भी हम चॉपर में डाल लेंगे। जिंजर यानी कि अदरक हमें चाहिए 1 इंच का टुकड़ा, इसे भी हम स्लाइस में कट करके इसी में शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें हमें चाहिए 2 से 3 अदद, इसे भी हम इस तरह मोटा मोटा काट के इसमें डाल लेंगे। हरा धनिया हमें चाहिए 2 to 3 टेबल स्पून भर के, ये भी हम इसी में शामिल कर लेंगे और इसे हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हरा धनिया और हरी मिर्चों को आप बारीक काट लें छुरी की मदद से, और जो प्याज अदरक और लहसुन है तो इसे आप कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लें। मकसद इसे सिर्फ बारीक करना है। ये आप देख सकती हैं कि अच्छे से ये बारीक हो गया है। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 500 ग्राम्स बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, और मैं ये बात बताती जाऊँ कि आप फ्रेश कीमा यूज़ करें जो कि होममेड हो, और अगर आप बाज़ार से भी लाएं तो ताज़ा बनाया हुआ आप ख़रीदें, ताज़ा बना हुआ आप इसमें यूज़ करें। इसमें हम 3 टेबल स्पून भर के भुने हुए चनों का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया डालेंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। गरम मसाला ये भी ताज़ा ग्राइंड किया हुआ है, ये हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। सूख मिर्च का पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आपको कम मिर्चें पसंद हो तो आप हरी मिर्चें और सूख मिर्चें अपनी टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। घी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के, इससे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट रहेंगे। नमक हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। 1 अदद हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। फिर से हमने इसे इसी तरह चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बारीक कीमा आप लें जो कि 2 बार मशीन से निकला हुआ हो, और इसी तरह सारी चीज़ें इसमें शामिल करके आप इसी तरह का मिक्सचर बना लें, अच्छे से इसे गूंद लें तो ये मिक्सचर आपका बन जाएगा। ये मिक्सचर हमारा तैयार है। अगर बहुत ज़्यादा नरम हो रहा हो मिक्सचर तो आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, और इसके बाद आप इसके कोफ्ते बना सकती हैं। ये इस तरह करके अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, छोटे या बड़े ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना लें। मैं यहाँ पे थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। हाथों पर पानी लगाते हुए इस तरह करके हम मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना लेंगे। सारे कोफ्ते इसी तरह बिना क्रेक्स के दबा दबा कर हमने बना लेने हैं, और इसे हमने फ्रिज में रख लेना है। अब हम इसके लिए करी बनाएंगे। करी बनाने के लिए हम एक पॉट लेंगे और इसमें हम तकरीबन आधा कप ऑयल डालेंगे। 3 से 4 हम हरी इलायची इसमें तोड़ के डालेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेना है। अच्छे से हमने इसे भून लेना है। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए हैं जिसे मैंने ब्लेंड कर लिया है बिना पानी के। इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। सूख मिर्च का पाउडर इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून, यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से ये भी आप एडजस्ट कर लें। हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। जीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून।
अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। साथ ही मैं इसमें यहाँ पे 1 टीस्पून भर के देगी लाल मिर्च, या फिर कश्मीरी मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें जिसे कहते हैं, तो वो मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है ग्रेवी का। अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमने फ्राई करने के लिए छोड़ देना है जब तक कि मसाला अच्छे से भुन जाए और जो टमाटर हैं, जो हमने इसमें टमाटर प्यूरी ऐड की है, तो इसका पानी अच्छे से खुश्क होना चाहिए, ऑयल इसका अलग हो जाना चाहिए। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे। ब्लेंडर में हम 1 कप दही ऐड करेंगे। दही अच्छा वाला होना चाहिए, थिक वाला होना चाहिए, पानी इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो दही है ये खट्टा भी ना हो। इसमें हम ब्राउन की हुई प्याज ऐड करेंगे। 1 अदद लार्ज साइज प्याज मैंने ब्राउन कर ली है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये आप देख सकती हैं कि जो हमने टमाटर ब्लेंड करके इसमें ऐड किए थे तो वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये अलग से इसका ऑयल निकल रहा है। अब हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे जो कि हमने अभी बनाया है, दही और प्याज का, ब्राउन प्याज का, वो हम इसमें ऐड करेंगे सारा। और अच्छे से हमने इसे भून लेना है। अब हमने मसाले को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए भूनना है। पहले के 3 से 4 मिनट हमने इसे ऐसे ही भूनना है और इसके बाद ढक के हमने इसे रख लेना है। अब हम इसे ढक कर रखेंगे और इसके बाद हम इसे फिर से भूनते जाएंगे। 8 से 10 मिनट लगते हैं मसाला भुनने में। अगर नीचे लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन यह है कि जितना अच्छा आप मसाला भुनेंगी तो उतने ही अच्छे इसकी ग्रेवी बनेगी। करी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। नमक हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा मज़ीद ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी और अच्छे से भून लूँगी। याद रखें कि इससे पहले जो मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था वो सिंपल ज़ीरा पाउडर था, वो मैंने भुना हुआ नहीं था। इस स्टेज पर जब मैं डालूँगी तो वो मैंने भुना हुआ है और इसका पाउडर मैंने बनाकर इसमें ऐड कर लिया है। अब हम फ्रिज से कोफ्ते निकाल कर इसमें ऐड करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, ऑयल इसका अलग हो गया है। कोफ्ते हम इसमें रखेंगे और इसके बाद कोफ्तों को हमने बिल्कुल इसमें चम्मच नहीं चलाना। कपड़े की मदद से हमने देचकी या जिसमें भी आप इसे पका रही हो, याद रखें कि एक तो खुले मुंह वाली देचकी कढ़ाई कुछ भी हो आप खुले मुंह वाली लें और इस तरह करके पकड़ के आप इसको ऐसे हिलाएं। इस तरह करके आपने इसको हिला लेना है और आंच हल्की करके ढककर हमने इसे 5 से 6 मिनट, पहले के 5 से 6 मिनट हमने इसे ऐसे ही ढककर हल्की आंच पे कुक कर लेना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें उबलता हुआ पानी ऐड करेंगे। 1 ग्लास में यहाँ पे इसमें उबलता हुआ पानी ऐड कर रही हूँ और हल्का हल्का सा हम इस तरह करके इसमें चम्मच चला लेंगे, बहुत ही हल्का सा। कोफ्तों को हम टर्न कर लेंगे हल्के हल्के से इस तरह करके और अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी हमारी रेडी है। आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो आप उतनी ही ग्रेवी रख सकते हैं। आखिर में हम इसके ऊपर 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा फिर से ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड कर सकती है, आप मत डालें। इसमें हम फेनुग्रीक लीव्स यानी कि मेथी डालेंगे, खुश्क मेथी जिसे कहते हैं कसूरी मेथी, वो हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए दम पे रख कर छोड़ देंगे। और ये हमारे कोफ्ते तैयार हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने इसे उबले हुए अंडों के साथ गार्निश किया है और इसके ऊपर हरा धनिया डाला है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।